नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है। विक्की कौशल बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता हैं। हर साल 16 मई को वह अपना जन्मदिन मनाते हैं। उनका परिवार पंजाबी हिंदू है जो मूल रूप से होशियारपुर का रहने वाला है। इस बार वह अपनी पत्नी कैटरीना कैफ के साथ अपना 34वां जन्मदिन मनाने वाले हैं। उनके पिता श्याम कौशल भी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। वह एक मशहूर एक्शन डायरेक्टर हैं जो कई हिट फिल्मों के एक्शन सीन डिजाइन कर चुके हैं। उनके भाई सनी कौशल भी एक एक्टर हैं जो फिल्म शिद्दत से अपना एक्टिंग डेब्यू कर चुके हैं। कम लोगों को पता होगा कि विक्की कौशल एक्टर बनने से पहले एक इंजीनियर थी। बीटेक के बाद साल 2012 में उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी। फिल्म में उन्होंने एक छोटी सी भूमिका भी निभाई थी। इसके बाद उन्हें साल 2015 में बतौर मुख्य अभिनेता फिल्म मस्तान में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म उनके करियर के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई और फिल्म में उनके काम की बहुत तारीफ हुई। अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी रमन राघव उनकी दूसरी फिल्म थी। इस फिल्म में नवाजुद्दीन के साथ उनकी एक्टिंग की भी जमकर तारीफ हुई थी। लगातार फिल्मों में काम करने के बावजूद विक्की की फैन फॉलोइंग में कुछ खास इजाफा देखने को नहीं मिला था। उन्हें असली पहचान दिलाने वाली फिल्म उरी थी। इस फिल्म ने विक्की की किस्मत के सितारे ही बदल दिए। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। फिल्म रियल घटना पर आधारित थी जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। इस फिल्म के लिए वह राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किए जा चुके हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो विक्की इन दिनों कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। वह शशांक खेतान की फिल्म गोविंदा नाम मेरा में नजर आने वाले हैं। वहीं मेघना गुलजार की फिल्म सेम बहादुर में भी वह दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा इमॉर्टल ऑफ अश्वत्थामा और लुक्का छुपी 2 में भी वह अपने अभिनय का जलवा दिखाते नजर आने वाले हैं। तो ऐसी ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।